हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। मैं अमरेंद्र सिंह फाइनाइट एलिमेंट का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑन, जो कल डेरिवेशन किए थे उस पर आज एक न्यूमेरिकल है। इस तरह से कि एक फोर नोड रेक्टेंगुलर एलिमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट लगातार दिए हुए हैं। इसको हमको इस पी पॉइंट पे 2.5 और 2 पॉइंट के अबाउट टेम्परेचर फाइंड करना है। चारों नोड पर टेम्परेचर गिवन दिया हुआ है 120, 65, 50 एंड 80 डिग्री सेल्सियस। हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे x1 और सभी डेटा को लिखेंगे जो x और y, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, वही ये डाटा है और ये टेम्परेचर है जो गिवन डाटा है। इसके बाद हम करेंगे इसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को जीरो करते हैं हमेशा, यानी कि 1, 1 को हमेशा क्या करेंगे, 0, 0 करेंगे। तो इसमें 0, 0 करने के लिए क्या करना होगा, सभी कोऑर्डिनेट में 1 और 1 माइनस करना होगा। तो x1 और y1 में 1, 1 माइनस कर देंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा x1 को 0 हो गया, y1 0 हो गया। तो 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 0, ये हो जाएगा 2 और 1.5। तो x3 2 और 1.5, x4 0 और 1.5, 0 और 1.5, यानी कि हमारा जो नया है इस तरह से बन जाएगा। और एक नया रेक्टेंगुलर एलिमेंट बन जाएगा जो एक्सिस के अबाउट बनेगा और वो इस तरह से जाएगा, जहाँ 0, 0, 2, 0 जो नया कोऑर्डिनेट है वो। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक L होता है और यहाँ से यहाँ तक H होता है। तो 0, 0 और यहाँ से, तो X को देखेंगे तो यहाँ से 0 से 2 तक का डिस्टेंस है, इसलिए L की वैल्यू 2 होगी। और यहाँ से यहाँ तक H होता है, तो यहाँ y और 1.5 के बीच में, यानी कि y2 और y3 में क्या है, 1.5 का डिफरेंस है, इसलिए h की वैल्यू 1.5 होगा। शेप फंक्शन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। डेरिवेशन में हम लोगों ने कल 4 शेप फंक्शन के फॉर्मूले सॉल्व किए थे, इस तरह से आप लोग को कल बताया था मैं ये फॉर्मूले s1 s2 s3 और s4 का, ये वही फॉर्मूला है। इसके बाद से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट पी दिया हुआ है, यानी कि जो पॉइंट पी दिया हुआ है ये 2, 1.5 और 1, यानी कि हम इसमें भी 1 और 1 माइनस किए थे, पहले ये 2.5 था और ये 2 था। उसके बाद से करना है कि उसमें भी माइनस कर देंगे तो ये एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी। फॉर्मूला में एक्स और वाई दिख रहा होगा, तो इसी कोऑर्डिनेट के अबाउट में हमेशा एक्स की वैल्यू 1.5 और वाई की वैल्यू 1 होगा। यानी कि जब फॉर्मूले में रखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एच एक्स वन अपॉन एल एच, तब हम डेटा रखेंगे ये एल और एच यहाँ से और ये आंसर, तो ये 0.833। S2 के लिए x अपॉन एल वाई माइनस एच का फॉर्मूला, फिर वही डाटा पुट करेंगे 0.25 आंसर आया। S3 xy अपॉन एल एच 1.5 × 2 जो भी है, यानी कि 2, 0.5 आंसर आया। फिर S4 के लिए y अपॉन एच और माइनस 1. जो भी है xy अपॉन एल एच, यानी 1.5 × 2, इसको सॉल्व करेंगे S4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको पी पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करना है, पी पॉइंट पे। तो हम लोगों ने टोटल शेप फंक्शन का फॉर्मूला कल पढ़ा था कि T1 S1 T2 S2 T3 S3 T4 S4, तो इसी डाटा को हम लोग पुट करेंगे। हमको T1 टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है और S1 निकाल लेंगे, तो T1 और S1 निकालेंगे तो जो भी डेटा है 120 0.833 प्लस 65 × 0.25 आंसर, इस तरह से सभी को पुट करेंगे और ऐड कर देंगे और हमको टेम्परेचर एट पॉइंट टी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व